बिहार में राजनीति का नया अध्याय लिख दिया गया। कल तक जो एक राजनीति पार्टी का अध्यक्ष था, उसे चंद लम्हों में पैदल कर दिया गया। यूं कह लीजिए कि सियासी चालों ने उसे राजा से रंक बना दिया। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP में हुए राजनीतिक तख्ता पलट से चिराग पासवान की हालत ऐसी हो गई। चिराग पासवान उन रामविलास पासवान का बेटा है जिन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उन्हें सियासी मिजाज भापने में माहिर माना जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनका बेटा ही अपनों की नाराजगी को समझ नहीं पाया? यही सुलटफेर की नींव बिहार विधानसभा चुनाव में रख दी गई थी। क्या है इन सियासी दावपेचों की पूरी कहानी हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार में आखिर हुआ क्या। दरअसल दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी तख्ता पलट हो गया। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इसमें से 5 सांसदों पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, बीड़ा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया। इसके बाद चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया, जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान बगावत कर दी थी। पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय दल का नेता भी बना दिया गया। अब सवाल उठता है कि LJP में चिराग तले अंधेरा आखिर कैसे हुआ? तो सूत्र बताते हैं कि इस तख्ता पलट के लिए चिराग पासवान खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल चिराग को सबसे ज्यादा भरोसा अपने चचेरे भाई और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज पर था, लेकिन प्रिंस राज तब नाराज हो गए। उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से बंटवारा कर दिया गया। उस दौरान राजू तिवारी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जब चिराग ने JDU से बगावत की तो हाजीपुर से सांसद और चाचा पशुपत पारस भी नाराज हो गए। इसके अलावा सूरजभान सिंह भी खफा हुए तो उनके भाई और नवादा से सांसद चंदन सिंह ने भी बगावत कर दी। कुल मिलाकर LJP में जो ताजा हालात बने हैं, उनके पीछे चिराग पासवान के एक तरफा फैसले हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि अपनों की नाराजगी से जूझ रही LJP में आग भड़काने का काम JDU के 3 कद्दावर नेताओं ने किया। इसमें सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी नाम प्रमुखता से लिया जा रहा। कहा यह भी जा रहा है कि लल्लन सिंह ने सबसे पहले पशुपति पारस को अपने पक्ष में किया, इसके बाद सूरजभान सिंह को पाले में खींचा। वहीं महेश्वर हजारी ने महबूब अली कैसर को तोड़ा, साथ ही प्रिंस राज और वीड़ा सिंह को भी चिराग का साथ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।